नमस्कार एमपी बोर्ड वालों, फिर आ गया हूं मैं। आज तो ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आता ही आता है, नोटिस। और वो भी किस तरह के नोटिस आपके बोर्ड में आते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, उनको मैं आपको बताऊंगा। तो कोने में हम बैठे हैं और बगल में बैठे हैं कौन? नोटिस महाराज। तो देखिए, आपके में कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोग्राम कर रही है, स्कूल कोई प्रोग्राम कर रहा है, यानी स्कूल नोटिस, लॉस्ट नोटिस यानी कुछ चीज खो गई है, फाउंड नोटिस यानी कोई चीज मिल गई है, इस तरह के नोटिस आते हैं। तो क्यों ना हम कुछ नोटिस आपके सामने पढ़ें, समझें और कैसे बनाते हैं सीखें, राइट? और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो भैया धन्यवाद देना ना भूलें। कोई को भी आप कोई काम करेगा और उसको बड़ाई करोगे, उसकी प्रेस करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, तो वो फूलेगा बेचारा। हम भी फूल के थोड़े और मोटे हो जाएं, है ना? हमें अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया फटाफट कर लो, है ना? और लोगों को भी शेयर कर दो। यू आर अनुपमा, आपका नाम अनुपमा है, द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल की कल्चरल सेक्रेटरी हो। ड्राफ्ट अ नोटिस, एक नोटिस तैयार करो गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि दो पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन होगा आपके स्कूल से, टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। एक होने जा रहा है इंटर स्कूल यानी स्कूलों में, इंटर कॉलेज यानी कॉलेज में, इंटर क्लास यानी क्लास में। तो स्कूल का स्कूल से हो रहा है, अब पूरे स्कूल को तो भेज नहीं देंगे, है ना? अपने स्कूल से दो लोग जाएंगे, तीन लोग जाएंगे, एक लोग जाएगा, कोई कम ही जाएंगे। उनको भी तो सिलेक्ट करना है अपने स्कूल से, किसको भेजें, राइट? तो सबसे पहले कभी भी नोटिस बनाया करो, बॉक्स बनाया करो, लेकिन बॉक्स को नीचे वाली लाइन छोड़ दिया करो, जिससे कि बाद में कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद उसको बंद कर दो। कभी कभी क्या, पहले बॉक्स बना लिया, अब दिक्कत आ रही है, उसमें गुचड़ पुचड़ कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमने स्कूल का नाम डालना है, वो भी कैपिटल अक्षरों में और ब्लैक डॉट से। उसके बाद डेट डालनी है, ठीक है? कैपिटल अक्षरों में ब्लैक डॉट से। उसके बाद नोटिस डालना है, कैपिटल अक्षरों में ब्लैक डॉट से। उसके बाद जो भी आपका नोटिस है, डिबेट कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, कुछ भी, उसको डालना है। यहां पे डिबेट कंपटीशन है तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। उसके बाद आपको स्टार्टिंग करनी है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। अब यहां पर क्या करना है, जो भी कॉम्पिटिशन है उसको कैपिटल अक्षरों में डालना है। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? 25 नवंबर को होने जा रहा है। लिख कब रहे हैं? 21 नवंबर को। 25 नवंबर को होने जा रहा है। ऑल दो स्टूडेंट्स, वो सभी छात्र, हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। जो लोग भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं, वो अपनी क्लास टीचर को अपना नाम सबमिट कर सकते हैं। ओनली टू स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड, सिर्फ दो लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। टू रिप्रेजेंट आर स्कूल, अपने स्कूल को दिखाने के लिए, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल दो लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ऑन बिहाफ ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन, और वो भी किस आधार पे? हम एक टेस्ट लेंगे, हम एक कॉम्पिटिशन कराएंगे स्कूल लेवल पे। वो कब हो रहा है? वो 23 तारीख को हो रहा है। तो 21 तारीख को नोटिस निकल रहा है, 23 को हम खुद का एक कॉम्पिटिशन कराएंगे। जो सिलेक्ट होंगे उनको 2500 भेज दें, जय श्री राम करके, है ना? ओ सो प्रिपेयर वेल बिफोर गिविंग योर नेम। इसीलिए अपना नाम देने से पहले थोड़ा सा तैयारी कर लो, ऐसा ना हो कि स्कूल लेवल में फेल हो जाओ तो आपका सिलेक्शन ना हो। टॉपिक तैयार करना है स्कूल के लेवल के लिए, इज मोबाइल फोन हार्मफुल और यूजफुल। ये मोबाइल फोन जो है वो हार्मफुल है कि यूजफुल है। उसके बाद कल्चरल सेक्रेटरी अनुपमा और बॉक्स कर दिया वंत। एक और देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इस बार क्या है? इस बार है ब्लड डोनेशन कैंप। कोई बात नहीं साहब, सबसे पहले क्या डाला? स्कूल का नाम डाला। उसके बाद क्या डाली? डेट डाली। उसके बाद नोटिस डाला। उसके बाद हेडिंग डाल दी ब्लड डोनेशन कैंप। ऑल द स्टूडेंट, सभी छात्र, आर इन्फॉर्म, इन्फॉर्म किया जाता है सभी छात्रों को दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप इन एसोसिएशन विद द रेड क्रॉस सोसाइटी, कि एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा जा रहा है, वो भी रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन अवर स्कूल ऑन 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को।
ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड, जो लोग भी अपने ब्लड को डोनेट करना चाहते हैं, कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, वो अपने नेम्स अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं। अ टीम ऑफ नर्सेस एंड डॉक्टर्स, भैया एक टीम आएगी नर्सेस की और डॉक्टर्स की, रेड क्रॉस सोसाइटी के रहेंगे वो लोग, विल कम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, वो कलेक्शन करेंगे ब्लड का। देयर इज ऑल्सो अ सर्टिफिकेट, रिफ्रेशमेंट, बढ़िया सर्टिफिकेट मिलेगा, खाने को मिलेगा, रिफ्रेशमेंट विल बी गिवन टू ईच डोनर, हर किसी डोनर को एक बढ़िया सा रिफ्रेशमेंट और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस बार भैया कोई नहीं था, हेड बॉय हेड गर्ल वगैरह, तो हमने ऑर्डर्ड बाय प्रिंसिपल लिख के नोटिस को कर दिया बंद। क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, फ्री में मिल रहा है एकदम माल मटेरियल। यू हैव लॉस्ट योर वॉच, आपने अपनी घड़ी खो दी है, कहां पे खो दी है, स्कूल प्रीमिसेस में खो दी है, स्कूल भवन में खो दी है। बिसाइड्स बीइंग वैल्यूएबल द वॉच हैज एन इमोशनल वैल्यू टू यू, ये वॉच जो है वो वैल्यूएबल तो है ही, मूल्यवान तो है ही, लेकिन उससे इमोशनल वैल्यू जुड़ी है क्योंकि किसी ने गिफ्ट की होगी। राइट अ नोटिस पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड प्रॉमिसिंग अ गुड रिवार्ड टू वन हु फाइंड्स इट, स्कूल नोटिस पे एक नोटिस लिखें और उसको इनाम दे दें जिससे जो तुम्हें ढूंढ के देगा, देना भी चाहिए। ये लॉस्ट का नोटिस है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्कूल का नाम लिखा, हेडिंग डाली, उसके बाद हमने डेट डाली, नोटिस लिखा और यहाँ पे लिख दिया लॉस्ट, यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को आर इन्फॉर्म किया जाता है दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन वॉच, मेरी गोल्डन वॉच खो गई है, वाइल प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड यस्टरडे, कल मैं स्कूल ग्राउंड में खेल रहा था उसी दौरान मेरी वॉच खो गई। द वॉच वॉज वैल्यूएबल, वैल्यूएबल है वॉच, एंड इट हैज एन इमोशनल वैल्यू टू मी, और इसकी एक इमोशनल वैल्यू है मेरे लिए, बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड बाय माई ग्रैंड मदर, क्योंकि ग्रैंड मदर ने गिफ्ट की थी इसको, राइट। इफ एनी वन फाइंड इट, अगर किसी को मिले या रिक्वेस्ट हिम, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू डिपॉजिट इन द प्रिंसिपल ऑफिस, कि प्रिंसिपल की ऑफिस में इसको जमा कर देना, और कॉन्टेक्ट टू मीट डायरेक्टली, और नहीं तो मुझसे ही कॉन्टेक्ट कर लेना। आई प्रोमिस टू गिव हिम अ गुड रिवार्ड, मैं प्रोमिस करता हूँ बढ़िया इनाम दूंगा आपको। नेम लिख दिया राघव, क्यों, क्योंकि राघव की खोई है, मेरे नाम भी वैसे राघव है, प्रेम से बोलते हैं घर वाले। ओके थैंक यू वेरी मच, ये तीन नोटिस आपके लिए मैं लेकर आया था, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।